Nurturing excellence. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अबेकस एकेडमी के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राष्ट्र मिलिट्री स्कूल का प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने दो पेपर्स आपको पहले करवा दिए हैं, दैट इज 2019 और 2021, 2020 उनका पेपर मैंने आपको जीके का सॉल्व करवा दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। तो आप वहां जाके उन्हें देख सकते हो वीडियो को, आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, इन विच ईयर डिड सर एडमंड हिलेरी रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? क्या पूछ रहा है कि सर एडमंड हिलेरी कब रीच किए माउंट एवरेस्ट के समिट पे? तो कब किया? तो वो किया 1952 में। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, ईयर पूछ रहा था, इन विच ईयर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1952। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आपको पता है प्रीवियस ईयर तो एज इट इज तो आने से रहा आपकी बार, तो आना क्या होगा कि उसी टाइप्स के क्वेश्चंस और आ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपके लिए क्या किया है यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर के साथ में कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ जहां से अब की बार क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और ठीक है, तो अब देखो, तो फर्स्ट क्या है, व्हेन वाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड, मतलब पहली सैटेलाइट कब लॉन्च की गई? तो पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई 1957 में, और कौन सी सैटेलाइट की नाम क्या था उसका? तो उसका नाम था स्पूतनिक फर्स्ट। ओके, और कौन सी कंट्री ने लॉन्च करी? तो वो लॉन्च करी सोवियत यूनियन ने। ओके, अब अगला देखो, फर्स्ट स्पेस फ्लाइट, फर्स्ट स्पेस फ्लाइट थी वो कौन लेके गया और कहाँ कब गई थी वो? तो वो गई थी 1961 के अंदर, और उसमें कौन थे? उसमें थे यूरी गैगरिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस, पहले पर्सन कौन थे स्पेस में जाने वाले? तो कौन थे बताओ? वो थे यूरी गागरिन। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू गो टू मून, पहले व्यक्ति कौन थे मून पे जाने वाले? सबसे पहले मून पे कौन गए? तो कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए तो कौन से ईयर में गए? तो वो गए 1969 में। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वाज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च्ड, व्हेन वाज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च्ड, आईएसएस, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया 1998 में। ठीक है, अभी आपको ये लग रहा है क्या कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया? तो देखो मैंने समझाने की पूरी पूरी ट्राई की है, आप समझने की ट्राई करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन समझाने लायक थे भी नहीं, ठीक है, आपको इनको लर्न ही करना होगा। ये सिंपल सा डाटा है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ईयर नेम इसमें समझा नहीं सकता ना मैं, तो आपको याद करना होगा, मैंने प्रैक्टिस करवा दी है आपको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। तो देखो, फैदोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, एक फैदोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फैदोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, इंस्ट्रूमेंट, अब ये पूछ रहा है इज यूज टू मेजर, फैदोमीटर इज यूज टू मेजर, कि फैदोमीटर किसको नापने के काम में आता है, मापने के काम में आता है, किसको मापने के काम में आता है? तो वो आता है काय को मापने में बताओ? फैदोमीटर क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, पता है ना? अब किसको मापने के काम में आता है? वो आता है ओशन की डेप्थ को मापने की। ठीक है, ओशन की, ओशन डेप्थ। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखो, सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ क्या होता है? सीस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है जो किसको मेजर करने के काम में आता है? अर्थक्वेक को, अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक कितने इंटेंसिटी से आ रहा है, इसको मेजर कौन करता है? सीस्मोग्राफ करता है। ठीक है, देन ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस कवर्ड। ओके, डिस्टेंस जो कवर किया है वो मापने के काम में आता है ओडोमीटर। ठीक है, देन रेन गेज, रेन गेज क्या होता है? रेन गेज मतलब देखो आपको याद रखना है इसको, कैसे रखोगे?
रेन से, ये मेजर करने के काम में आता है रेनफॉल कितनी हुई है। तो रेन रेन फॉल, ठीक है, रेन फॉल रेन, ओके, रेन गेज तो रेनफॉल हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो बैरोमीटर, तो बैरोमीटर किसको मेजर करने में काम में आता है, तो बैरोमीटर मेजर करता है एटमोस्फियरिक प्रेशर को, एटमोस्फियरिक प्रेशर को, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्मोमीटर किसको मेजर करता है, थर्मोमीटर मेजर करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन, तो देखो हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी इन इंडिया, ये पॉलिसी थी एक, क्या किस नाम से, सब्सिडियरी अलायंस नाम से एक पॉलिसी थी, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, तो किसने किया बताओ, तो किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ले ने किया था, ओके, लॉर्ड वेलेस्ले ने। नेक्स्ट देखो परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो किया कॉर्नवलिस ने, लॉर्ड कॉर्नवलिस, ओके। नेक्स्ट फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन, ओके। देन नेक्स्ट फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज का फादर पिता किसे कहते हैं, किसने स्टार्ट किया था इंडियन सिविल सर्विसेज को, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो किया था लॉर्ड कॉर्नवलिस ने, लॉर्ड कॉर्नवलिस ने, ओके। देन नेक्स्ट हु इंट्रोड्यूस रायोटवारी सिस्टम, किसने इंट्रोड्यूस किया है काय को, रायोटवारी सिस्टम को, तो रायोटवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था, थॉमस मुनरो ने, ओके, थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस्ड रायोटवारी सिस्टम। देन नेक्स्ट हु इंट्रोड्यूस्ड रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे को किसने इंट्रोड्यूस किया भाई, इंडियन रेलवे को इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड डेलहाउजी ने, ओके। और बताओ पहली जो ट्रेन चली थी, पैसेंजर ट्रेन, वो कहाँ चली थी, वो चली थी मुंबई टू ठाणे के रूट पे, ओके, समझ आ रहा है ना। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे, तो देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, इंडिया के लॉन्गेस्ट डैम का क्या नाम है, तो उसका नाम है ऑप्शन सी हीराकुंड डैम, पता है ना सभी को, फैक्चुअल डेटा है यार, याद होना चाहिए आपको, हीराकुंड डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, याद नहीं है तो यहां से देखो याद करो, ठीक है। फिर हाईएस्ट डैम कौन सा है इंडिया का, तो हाईएस्ट डैम है तहरी डैम, तहरी डैम कहाँ है ये है उत्तराखंड में, और कौन सी रिवर के ऊपर है ये तहरी डैम, तो तहरी डैम है भागीरथ, जो रिवर है ना भागीरथ रिवर के ऊपर है ये तहरी डैम, ओके। देन लार्जेस्ट डैम कौन सा है, लार्जेस्ट डैम कौन सा आ गया, हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हाईएस्ट स्ट्रेट डैम, हाईएस्ट स्ट्रेट डैम कौन सा है, तो कौन सा है भाकरा नांगल डैम, भाकरा डैम, ओके। देन नेक्स्ट डैम एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश फ्रॉम वेयर द हुगली रिवर ओरिजिनेट्स, इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर के ऊपर कौन सा डैम है, जो क्या जहां से क्या होता है हुगली रिवर क्या ओरिजिनेट्स होती है, तो कौन सा डैम है ये, तो ये है फड़ाके डैम, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, तो देखो इन विच सिटी फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड इज सिचुएटेड, अब देखो ये तो स्टेडियम है, ओके, क्या है ये स्टेडियम है, स्टेडियम में आपको अब नाम पता करना है, इसकी जगह पता करनी है, तो ये भी क्या फैक्चुअल डेटा ही है, फैक्चुअल डेटा आपको याद होना चाहिए, ओके, यू हैव टू लर्न दिस फैक्चुअल डेटा फ्रॉम, मैं एक रिकमेंड कर देता हूँ आपको बुक, एक बुक है
क्या नाम से है देखो, मनोहर पांडे नाम से एक बुक है। ओके, मनोहर पांडे जनरल नॉलेज। ओके, अरिहंत की बुक है, पब्लिशर कौन है? अरिहंत। आप इसे देखो, इसमें से जो लास्ट में जो डाटा है उसको याद करो। ओके, देन देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ये है, इन विच सिटी फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड इज सिचुएटेड? तो कहाँ सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी। ओके, देन अगला क्वेश्चन क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है भाई? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? गुजरात में। और बता दूं, सबसे बड़ा स्टेडियम भी है ये इंडिया का। ओके, देन ईडन गार्डन स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन कहाँ है ये? तो ये है कोलकाता में, दैट इज वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, तो मेलबर्न कहाँ है? मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया में। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, ठीक है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है बताओ भाई? बहुत ही फेमस ग्राउंड है लॉर्ड्स, वेरी फेमस। ओके, कहाँ ये? ये है इंग्लैंड में। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ्स? क्या करना है इसमें अपने को, ये चार रिवर दी गई है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ्स। तो सबसे बड़ी कौन है इनमें से? तो सबसे बड़ी है नर्मदा, उसके बाद कौन सी है? उसके बाद है ताप्ती, देन गोदावरी, और उसके बाद में महानदी। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये? ऑप्शन डी। ओके, देन अगला क्वेश्चन देखो, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है भाई? तो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है इंडस रिवर। ओके, देन नेक्स्ट, ओनली रिवर आइसलैंड ऑफ इंडिया, सॉरी, ओनली रिवर आइलैंड ऑफ इंडिया, एकमात्र रिवर आइलैंड है इंडिया का, कौन सा है वो? तो वो है मजुली आइलैंड। ओके, जो काय से बना? ब्रह्मपुत्र के सराउंडिंग से, ब्रह्मपुत्र रिवर के सराउंडिंग से बना है जो, ठीक है, मजुली आइलैंड। देन लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वो कौन सी है? अमेजॉन रिवर, ठीक है। देन द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ओरिजिनेट्स मतलब कहां से निकलती है, तो गंगा कहां से निकलती है? गंगा नदी, तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। ओके, देन रिवर ब्रह्मपुत्र ड्रेन्स इन, ब्रह्मपुत्र जो रिवर आती है कहां से होती हुई आती है? तिब्बत से होती हुई आती है, और ये अरुणाचल प्रदेश से हमारे एंटर करती है इंडिया में, इट एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एंटर स्टेट है ये, एंट्रेस, एंट्रेंस, एंट्रेंस स्टेट ऑफ ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश। और ये कहाँ जाके बह जाती है, पूरी जाके कहाँ खत्म होती है? ये खत्म होती है बे ऑफ बंगाल में। ओके, तो चलो अगला देखो, हु हैव वॉन द मेन्स सिंगल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018? किसने जीता क्या फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018? 2018 का अपने को क्या मतलब है, 2018 का पेपर है, आई नो ये पेपर 2018 का है, आपको मैंने बता दिया 2018 का पेपर है प्रीवियस ईयर, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है बेटा। कौन सा क्वेश्चन है? करंट अफेयर्स का। अब करंट अफेयर्स अपने लिए चेंज हो गया, तो अपने लिए ये कोई मतलब का नहीं है। ओके, तो अपन इसको नहीं पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे, अब अभी के विनर्स पढ़ेंगे अपन, ठीक है, 2022 के, 2022। ओके, तो देखो विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2022 का फ्रेंच ओपन किसने जीता भाई?
फ्रेंच ओपन जीता किसने? राफेल नडाल ने. ओके, देन नेक्स्ट विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन भी राफेल नडाल ने जीता. इजी हो गया आपके लिए, देखो दो चीजें सेम सी हो गई, फ्रेंच और एक ऑस्ट्रेलियन, याद रखना पड़ेगा फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन राफेल नडाल. ओके, देन विंबलडन, विंबलडन ओपन किसने जीता? विंबलडन ओपन जीता नोवाक जोकोविक ने. ओके, देन नेक्स्ट वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप 2022. अब करंट की ही हम बात कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की, तो इसमें ये भी ले लो, वुमेन्स का क्रिकेट एशिया कप किसने जीता अभी 2022 वाला? तो वुमेन्स एशिया कप जीता इंडिया ने. किसको हराया हम लास्ट फाइनल में? इंडिया वॉन डिफीटिंग श्रीलंका. ओके, और कहां हुए थे ये मैच? वेन्यू क्या था? वेन्यू था बांग्लादेश. ओके, चलो अगले पे. तो देखो, व्हाट इज द व्हीकल ऑफ गॉड इंद्र? इंद्र जो देवता है, इंद्र देव है, इंद्र देव है, उनका व्हीकल कौन सा है? उनका व्हीकल आपको पता होगा, मूवीज में आपने देखा होगा, तो वो एलिफेंट के ऊपर क्या करते थे? सवारी करते थे खुद की, तो एलिफेंट की है ना. तो देखो, एरावत, गरुड़, नंदी और आउल, इसका ऑप्शन आ जाएगा क्या? ऑप्शन ए एरावत. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीकल ऑफ गॉड विष्णु, तो गॉड विष्णु के व्हीकल कौन सा है? गॉड विष्णु का व्हीकल है गरुड़, गरुड़ देव. ओके, नेक्स्ट व्हीकल ऑफ गॉड शिवा, शिवा के गॉड, गॉड शिवा के व्हीकल कौन से हैं? वो है नंदी जी. ओके, नंदी जी द बुल. ओके, द नेक्स्ट द व्हीकल ऑफ गॉड लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का व्हीकल कौन सा है? वो है आउल. ओके, दैट इज उल्लू. ओके, अब देखो, गॉड वर्शिप्ड एज इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर, मतलब एक गॉड थे जिनको वर्शिप किया जाता है, किस हिसाब से? कि वो उनको इंजीनियर माना जाता है और उनको आर्किटेक्चर माना जाता है, कि वो हर चीज बनाने में एक सक्सेसफुल थे, मतलब जो चीजें बनाई थी, दैट इज व्हीकल्स, रथ जो होते हैं, जो रथ थे वो ही बनाया करते थे. तो कौन थे, क्या नाम है उन गॉड का? तो उनका नाम है विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा. ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो देखो, विच स्टेट इज नॉन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया, कौन से स्टेट को राइस बाउल बोलते हैं इंडिया का? किसको बोलते हैं? आंध्र प्रदेश को. ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर बाउल ऑफ इंडिया, तो शुगर बाउल किसे कहते हैं? सॉरी, वर्ल्ड, वर्ल्ड, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? क्यूबा, पता है ना. द नेक्स्ट, विच स्टेट प्रोड्यूस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉफी, कौन सा स्टेट है? विच स्टेट प्रोड्यूस सबसे ज्यादा, कौन पैदा करता है क्या कॉफी इंडिया में? कौन करता है बताओ? कर्नाटक. ओके, नेक्स्ट, लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्री, सबसे ज्यादा गोल्ड किसने प्रोड्यूस किया, कौन सी कंट्री ने? तो वो किया चाइना ने. ओके, देन नेक्स्ट, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, इंडिया का स्पाइस गार्डन किसे कहते हैं? कौन से स्टेट को बोलते हैं स्पाइस गार्डन? तो वो बोलते हैं केरला को. ओके, केरला की कैपिटल क्या है? केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तिरु वनंथमपुरम. ओके, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर. चाइना की कैपिटल? बीजिंग. ओके, अब चलो अगले क्वेश्चन पे. तो देखो, नेम द ऑथर ऑफ द बुक गोदान, तो गोदान बुक के ऑथर कौन है? तो गोदान बुक के ऑथर है मुंशी प्रेमचंद जी.
ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो ये, हु रोड द रामायण, रामायण किसने लिखी थी? रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। ओके, द नेक्स्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक कौन सी है, सबसे बड़ी एपिक कौन सी है वर्ल्ड की? वो है द महाभारत। ओके, द नेक्स्ट हु रोड द पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद बरदाई ने। चंद बरदाई कौन थे? उनके पोइट थे, राजकवि पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, फिर हु रोड द इंडिका, तो इंडिका किसने लिखी? मैगस्थनीज ने। ओके, देन नेक्स्ट हु रोड द अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी भाई? अभिज्ञान शकुंतलम लिखी महान कवि कालिदास ने। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन हो गए। ओके, अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि आप क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज आपकी जो आरएमएस का पेपर है वो लास्ट 45 डेज बाद में है, आपको अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट्स व्हाई मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर के ये। ओके, इसी के साथ में आप क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट करो, मतलब टेस्ट सीरीज लगाओ, आप टेस्ट सीरीज करो हर संडे को अप्रोक्स। ठीक है, तो वो आपको कैसे कर सकते हो, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो आप अबेकस एकेडमी की हमारी ज्वाइन कर सकते हो, अबेकस एकेडमी की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, बिल्कुल फ्री है टेस्ट सीरीज हमारी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री टेस्ट सीरीज। ओके, तो आपको करना क्या होगा, हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे फ्री टेस्ट सीरीज जहां पे आपको दिखे फ्री टेस्ट सीरीज का, आपको वहां से फॉर्म फिलअप कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है, और देन आपको फ्री टेस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे हमारे द्वारा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, आपको लेवल पता लगेगा अपना कितना लेवल है आपका। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत। Sainik School and Military Schools offline and online courses are available at minimal cost. Jai Hind!